बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। इसी दुआ और उम्मीद के साथ जहाँ कहीं हैं आप, जिंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही। आजकल हर घर में ढोलक की थाप, ये खूबसूरत से गीत हम हर घर में, हमें तकरीबन हर दूसरे घर में सुनाई दे रहे हैं। जहाँ नहीं भी बज रही है ढोलक, वहाँ पे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी खुशी के शादियाने, खुशी की आवाज़ें जो हैं ये गूंजेंगी। ये वो फीलिंग है, ये वो खूबसूरत एहसास है जो हर औरत के अंदर होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कहते हुए कि आज शादी कोई ज़िंदगी का सब कुछ ही तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये एक मगरबी सोच है कि शादी ना भी हो तो खैर है, आप अपने करियर पे, आप अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। अगर हम अपने कल्चरली देखें और रिलीजियसली भी देखें तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम है कि हम एक सही रास्ता और एक सही तरीके से ज़िंदगी गुजारें। और एक लड़की की ज़िंदगी में ख़ास तौर पे बहुत अहम है, वो जब पैदा होती है तब से सोचती है और ये दिन जो है इसका उससे बहुत इंतज़ार होता है। आप सोच रहे होंगे हमने करना क्या है और आज होने क्या वाला है। तो आज से लेकर आइंदा आने वाले 5 दिनों तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक शादी को, और ये वो शादी है जिसे करते हुए मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि मैं या हमारी मेरी ये सारी प्यारी प्यारी दोस्तें या हमारा चना साहिबा या नताशा या साथ जैसे हैं या हमारे पास सोनू बैठे हुए, ये सब लोग, आप लोग शायद अफोर्ड कर लेते होंगे खुशियाँ, उनको सेलिब्रेट कर लेते होंगे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं नताशा कि जिस बंदे की तनख्वाह 16,000 रुपया है जी, अगर उसे अपना ख़ानदान भी पालना हो, घर का किराया भी देना हो, बिल भी देने हो, कुंबे का पेट भी पालना हो और साथ एक बेटी को भी ब्याहना हो, बहुत मुश्किल है। तो कितना मुश्किल, बहुत मुश्किल। और उस लड़की के ख्वाब जो हैं वो कैसे रोज़ाना टूटते और कैसे बिखरते हैं, उसकी आंखों में ये उम्मीद कैसे दम तोड़ती है वक्त गुजरने के साथ साथ। जैसे जैसे सर में चांदी के तार जो है वो नज़र आने लगते हैं, वैसे वैसे उसके सुहाने सपने जो हैं वो उससे रूठने लगते हैं और फिर वो एक अजीब तरह की परेशानी में और एक अजीब तरह के डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। इसलिए हमारे माशरे में तो नताशा, अगर औरत अपने घर की नहीं है तो उसके लिए कोई भी घर नहीं है, जाहिर है उसके लिए कोई भी घर ऐसा ही है। तो आज हमने ये बीड़ा उठाया कि हमें पता चला कि एक फैमिली इसी तरह की मुश्किल का शिकार है और वो अपनी बेटी को ब्याहना चाह रहे हैं। तो A+ ने ये कोशिश की कि ये शादियों के सीज़न में जब हर बंदा जो अफोर्ड कर पा रहा है और जो नहीं भी कर पा रहा वो भी कोशिश करके अपने इस फर्ज से सुबकदोश हो रहा है, वो बेचारा अपनी बेटी को रुखसत कर दे, तो हम उस बाप की बेटी को रुखसत करें जिसके कांधों पर ये बोझ है कि वो बेटी की रुखसती सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा कि गुर्बत और हालात उसे इजाज़त नहीं देते। सो आज हम और उस लड़की के लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि उसको जिस तरह से वो चाह रही थी कि मेरी शादी इस तरह से सेलिब्रेट हो, तो A+ ने, आप लोगों की टीम ने अगर ये किया है तो ये तो बहुत दुआएं लेने वाला काम है और बहुत अच्छी बात है कि उस बच्ची की, उस लड़की की, मतलब ये ख्वाहिश आप लोगों ने पूरी कर दी कि इस तरह से ग्रैंड इवेंट के साथ हम उसे रुखसत करेंगे और उसकी शादी मनाएंगे। आज हम उन्हें भी मिलवाएंगे आपसे और वो खुद आके आपको अपने सारे हालात और सब चीज़ें जो है वो बताएंगे। लेकिन मेरे बहुत प्यारे प्यारे से मेहमान यहाँ पर हैं और ये सब सहेलियाँ, हम सब सहेलियाँ जो है मिलकर उसके सारे, जिसे कहते हैं, शगुन पूरे करेंगे, उसके सारे चाव, उसके सारे अरमान, उसके वो सारे सपने, वो सारे ख्वाब जो उसने जागती आंखों से और बाजू का वैसे ही बैठ के बुने होंगे। किसी की शादी को देख के, टेलीविजन पे कोई मॉर्निंग शो देख के सोचा होगा कि हाय मैं ऐसे कपड़े पहन सकूंगी, मैं ऐसे तैयार हो सकूंगी, क्या मेरी भी इस तरह की रस्में होंगी। तो आज ये सब कुछ हम करने वाले हैं और हम उसमें पूरे जोश और खरोश के साथ शामिल होंगे। लेकिन हमने बांटना था कि कौन किसके साथ रहेगा। अभी मेरा ख्याल है मेरे साथी कुछ पूरे नहीं है, हम कुछ और लोगों की आमद के मुंतजर हैं। तो मेरा ख्याल है नताशा को आ जाए तो फिर हम ये तय करेंगे कि हम ही सारी फैमिली में से कौन लड़के वालों की फैमिली के साथ चला जाएगा और कौन लड़की वालों की फैमिली के साथ चला जाएगा। और आने वाले 5 दिन जो हैं वो फिर हम अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ के ये जो सेलिब्रेशन है ये खूबसूरत हो जाए। बिल्कुल ठीक है, डन, बिल्कुल सही है। आयशा और इसहाक की शादी में आप सबको दावत है, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा एंड लेट्स प्रे के हर घर में ये खुशी की जो रस्म है, ये जो एक मुकद्दस फरीज़ा, ये अंजाम दिया जाए और सब इसे खुशी खुशी के साथ रुखसत और जिंदगी भी आगे मजे से अच्छी तरह से गुजरे। आप कौन लड़की वाला और कौन लड़के वाला? लड़का वाला। लड़का अभी बात तो खत्म होने दो। मैं पहले लड़का वाला, मुझे लड़के वालों की तरफ में आई उधर से हूँ भाई। हमें लड़की चाहिए, हाँ तो लड़की उन्होंने बयानी है, हम दोनों तरफ से फायदे में, लड़का भी हमारा, लड़की भी हमारी। मैं मजलूम लड़के के साथ, मजलूम लड़का। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन मेरी तो बहन की शादी में हमने तो डिसाइड कर लिया था अभी कि बहन भाई है लड़की के, हम बहन भाई। अच्छा फिर इधर आओ, और फिजा इधर आओ, इधर आओ। अब ये लड़की वाले हो गए, फिजा एंड साइम लड़की वाले हो गए, साथ आ जाओ नताशा के साथ, नताशा एंड साथ लड़के वाले हो गए। चलो अब बताओ कि आपके बाकी ये सारी हमजोलियों, साथियों, दोस्तों में से किस किस को लेना है। अपने अपने नाम बता दो, मारते हैं ना। चलो भाई ये वाली साइड मुझे चाहिए जल्दी, सदफ चाहिए। सदफ ने तो पहले हाथ दिखा दिया मुझे। नताशा ने कितना कहा, ये वाली साइड दरमियान से लाइन इजी कर लो ना, ये इधर कर लो, ये इधर कर लो। लड़के को नहीं अगर ले ले तो बैठ बैठ कर ले मजा। देखो सदफ आ गए मेरे पास, बड़ी पटाखा है। तुम लोग के पास साइम है, मेरे पास सदफ मेंबर। आगे नेक्स्ट नताशा, अपने लिए कोई फैमिली मेंबर चूज करो। लड़की वालों में और कौन होगा? यहाँ से करो, हाँ यहाँ से करो, वहाँ से करो, जहाँ से भी। ब्लैक ब्लाउज, क्या नाम है आपका? नोरेजा। उसकी कुर्ती तंग है, कुर्ती तंग है, वो कॉन्शियस है आज। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। आज नोरेजा, तो नोरेजा भी इमोशनल भी हो रही है। अब तुम यहाँ से एक चूज करो पटाखा। अच्छा यहाँ से पटाखा है, पर्पल पटाखा। क्या बात है। हम लोग भूल रहे हैं फराह कि यहाँ पे एक और बड़े अहम जो है वो शख्स मौजूद हैं, डॉक्टर वजाहत आए हैं स्पेशली कराची से। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमारी साइड पे ना आए। अच्छा चलो आपको डॉक्टर साहब आ जाए मैदान में मेरी साइड। दोनों तरफ जी ऐसा हो नहीं सकता। सिंगर एक और बैठे हैं, उनको लेना ही पड़ेगा। हुमैरा जी दोनों बात सुने, क्या हुमैरा जी इंसान नहीं है? दोनों तरफ हुमैरा जी, दोनों दोनों की तरफ ले। सोनू हमारा, इतनी पक्की टीम फिजा ने चूज कर लिया। नताशा क्या कर रही हो यार? नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रही, मुझे ये वाली पहली वाली दो चाहिए। इकट्ठी आ जाए, पहली वाली दो चाहिए। आ जाओ। अच्छा मैंने सोनू भी ले लिया। सोनू आप हमारे पास आ गए, तुम आते हो। पता नहीं वाले बहुत पक्के हो गए हैं यार। सोनू की सीढ़ी लगवाएं, पता नहीं लगता आता है हमारी टीम में यार। सीढ़ी लगवाएं उसको, सीढ़ी कैसे यार? वो आ गया मैं पता ही नहीं लगा। अच्छा वो आ गया, सोनू का कोई तोड़ का तो कोई तोड़ नहीं है। लेकिन लेकिन ये बात सुनिए, जिस टीम के हिस्से में मैं और नताशा आ जाते हैं ना, उसका पल्ला वैसे ही भारी हो जाता है। ये आज बात गलत साबित हो जाएगी। डोंट वरी, बाकी ये हमारी दोस्तें बैठी हुई, इनका क्या कसूर है यार? ये हमारी तरफ आ गई। फिजा बुलाओ ना, बुलाओ। एक मुझे और बुलानी है यार। एक मिनट जरा चीखो चिल्लाओ कुछ पता तो। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। वाह तुम यहाँ आ जाओ ना। हाँ तुम यहाँ आओ। और अब ये एक आप भी इधर आ जाओ नताशा की टीम में। तो अब अपना अपना सब जो है वो तारुफ करा देंगे। मुझे एक माइक दे दो ताकि मैं सबके नाम जो है अपना अपना नाम बोलो। भाई सब कितने लोग किसके साथ हो? क्यों ज्यादा है, ज्यादा हो गए? नहीं लेवल कर लो, लेवल कर लो। आपका नाम क्या? सदफ, साम्या, सोनू, 7, 6, इकरा। और यहाँ पे नहीं फिजा का जवाब दे। वो कह रही है यहाँ ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप बस हो गया, बात नहीं। नताशा आपने सारे जो बंदे हैं ना, वो सारे जो परफॉर्मर्स हैं इधर दे दिए। मैं कहती हूँ मसला ही कोई नहीं है। कोई मसला मैं यहाँ पर हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा जी लड़की वालों, मेरा ख्याल है कि हम अब बात कर रहे हैं आयशा की शादी की, तो आयशा को लेकर तो आए आप सब लोग जाएंगे और उन्हें जाकर तो लेकर आएंगे। अच्छा मेरा चैनल जी, आप क्यों चुप करके छुप गई हैं? आप दरमियान में यहाँ पर दोनों टीम के साथ वाकई। अच्छा इनका तो पूछा ही नहीं ड्रेस, इनका ड्रेस। हाँ जी बिल्कुल मेरा। अच्छा जल्दी से लेकर आना नताशा लोग, देर नहीं लगाना। लड़की को फौरन लेकर आए ताकि हम उसे वेलकम कर सकें जरा। हाँ चले। 3 भाई बड़े हैं। अच्छा अच्छा। और क्या क्या काम करते हैं? ईंटों का, यानी भट्टे पे काम करते हैं। और कितनी मजदूरी है? मुझे तो पता चला कि आपको चचा ने पाला है। हाँ जी हाँ जी। तो वो चचा के बहन भाई मिला के आप बता रही हो सारे ये? हाँ। कि चचा के बच्चे कितने? उसके 3। और अपने तुम्हारे सगे बहन भाई कितने? वो 10। अच्छा शादी का क्या सोचा था कि शादी जो है वो कैसी होनी चाहिए? कपड़े कैसे पहनना चाहती थी मैं? हाँ क्या दिल चाहता है? शादी का जोड़ा किस रंग का होना चाहिए? लाल। अच्छा ये जो दूल्हा मियाँ है ये खुद पसंद किए हैं कि घर वालों ने किए? मैंने पसंद। क्या बात है। अच्छा ये भी आम बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। अच्छा इसमें क्या भाई बहनों में देखिए भाई ईंटों का काम करते हैं तो बहन भी काम वो करती है जिसमें वजन हो। हाँ और बहन ने ऐसे जोश और खरोश से कहा है कि बहुत पसंद किया है। अच्छा तो कहाँ देखा था इसहाक भाई को, कैसे पसंद किया था? वो हमारे पास आया था, मतलब भट्टे में आया था। अच्छा तो ईंटें लेने आया था? नहीं वैसे आया था मिलने। किससे? मेरी अम्मी अब्बू। आपके अम्मी अब्बू खानदान में है क्या, रिश्तेदार? रिश्तेदार। अच्छा तो आपने पहले उन्हें पसंद किया था, उन्होंने पहले आपको पसंद किया? उसने पहले पसंद किया है जी। वाह वाह वाह। तो पहले उसने रिश्ता भेजा या पहले आपको बताया कि मैं पसंद करता हूँ? नहीं पहले उसने रिश्ता, पहले उसने रिश्ता भेजा है। शरीफ खानदानी लोग हैं हम लोग, रिश्ता भेजते हैं पहले फिर बाद में बोलते हैं यार लव यू शबी हो गया। अच्छा तो जब उसने रिश्ता भेजा तो आपने ओके कर दिया? हाँ जी। आपने नहीं कहा कि मैं मुझे तो लड़का पसंद नहीं है कोई और देख लें? नहीं। सब लड़की को बिगाड़ दो तुम लोग। अच्छा चुप करके मान रही, क्या बुराई है? क्यों भाई, एक लड़की को एक लड़का नहीं पसंद। मेरी बात सुनो, लड़की ने जवाब दिया घर वालों को, फर्स्ट टाइम देखा तुझे हम खो गई, सेकेंड टाइम में लव हो गई। क्या ऐसी था फिजा बाजी, सही कह रही है बाजी? हाँ जी सही। उसकी तो बाजी है ना भाई, अब तो रिश्ते में आप उसकी बाजी हो गई। साइम ना बाजी क्यों बोल भाई, मैं उनको एहतराम बोल रहा हूँ। फिजा यार मत, यार ऐसे मत करो यार। फिजा आई एम सॉरी। ओके ठीक है हाँ चलो कंटिन्यू। अच्छा किससे मिलने की, किसका दिल चाहता है कि आपकी शादी में? देखो आपकी बहन बनी है नताशा। नताशा मिली हो? जी बिल्कुल। तो नताशा आपकी बहन बनी है, आपके भाई बने हैं साइम जी। आप इनसे मिली हुई हो पहले? नहीं। नहीं टीवी पे देखा हुआ? नहीं। टीवी पे भी नहीं देखा हुआ? नहीं। चलो जल्दी से निकाब ऊपर करो, उधर देखो, उधर देखो, निकाब ऊपर करो, देखो अब देखो, पहले देखा हुआ? मुझे तो देखा ही नहीं उसने। अरे टीवी देखती हो? टीवी देख, हाँ मॉर्निंग शोज देखती हो? नहीं ये टीवी बंद करके देखती हो। कौन टीवी पे क्या देखती हो? सब कुछ। मसलन मॉर्निंग शो तो देखती नहीं, तो फिर सब कुछ में क्या हो गया? क्या मॉर्निंग शो आप देखती थी? आज मॉर्निंग शो पे आपकी शादी हो रही है। हाँ हाँ जी। क्या कौन सा प्रोग्राम देखती हो? मैंने कभी नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं टीवी देखा, टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा चले जी हम सब आकर इसको अब बेस्ट विशेस देंगे अपनी, क्योंकि दुआए खैर जो है उसका मतलब ही बेस्ट विशेस होता है कि खानदान इसके बुजुर्गों ने तो कर ही दी, लेकिन अब हम जो कि इसकी फैमिली बने हैं, इमीडिएट फैमिली यहाँ पर लड़के वाले और लड़की वाले, तो अब हम जो है वो इसको आके बेस्ट विशेस देंगे। बेस्ट विशेस का तरीका ये है सबने आके उसके सर पे हाथ रखना है और एक दुआ देनी है उसको, ठीक है? ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद लड़के वाले फर्स्ट। सो पहले फिजा आएगी। फिजा आइए, चले आप और आपकी पार्टी एक एक करके आएंगे, उसके सर पे हाथ रखेंगे और कोई एक दुआ देंगे उसको। मैं तो अपनी खुशी उतार के इसके हाथ में दूंगी कि जैसे मैं खुश हूँ अल्लाह ताला इसको भी बहुत खुशी और इसको बहुत सारी कामयाबी दे, इसको बहुत ज़्यादा प्यार मिले इसके ससुराल में। सबसे बड़ी बात इसका शौहर इसको समझने वाला, उसको स्पेस दे, स्पेस ऐसे दे कि घर में इतना बड़ा आंगन बना दे, इतना बड़ा घर बना दे, ये और स्पेस चाहिए। हाँ। ये और स्पेस नहीं चाहिए कि एडजस्ट ही होती है, हो जाएगी हो गई है, बहुत बड़ा घर दे दे, बहुत बड़ा खुश रहे। हाँ हाँ खुश। इसको स्पेस कह रही हूँ, इसको स्पेस चाहिए। वो जो आजकल हम लोग कहते हैं ना लड़की को स्पेस चाहिए होती है, यू नो एडजस्ट करने के लिए लड़का देते हैं, 2 कनाल स्पेस काफी है। बहुत है यार, बहुत है यार। हम देंगे हम देंगे हम देंगे। सब लोग जल्दी से माइक माइक पकड़, ये लो सामने, ये लो आ जाओ भाई। क्या आप तीनों इकट्ठे मिलके एक दुआ बना लें? हाँ। हाँ। चलो सब मिलके दुआ दे दो एक। हम सबकी दुआ है कि आयशा हमेशा खुश रहे, इसको दुनिया की हर खुशी मिले, ये अपने घर में हमेशा हंसी बस्ती खेले। आमीन आमीन। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक तरह से तुम लोग अब इसकी नंदे लगी। हाँ और मैं इनको डिफाइन कर देती हूँ, इनको डिफाइन, इनकी तशरीह कर देती हूँ। 4 सहेलियां खड़ी खड़ी दुआएं देंगी घड़ी घड़ी। आगे भी आना चाहिए, आगे भी आगे, कंटिन्यू कंटिन्यू। जिसकी सहेली का मियाँ हो डॉक्टर, मियाँ हो डॉक्टर, उठाए ना माइक। सहेलियाँ खड़ी खड़ी डॉक्टर बुलाए घड़ी घड़ी, सुई लगा दे खड़ी खड़ी डॉक्टर बुलाए घड़ी घड़ी। आरो थैंक यू। अब फिजा लोग विश करेंगे और गाना यही चलेगा, गाना यही चलेगा। फिजा ने तो कर दिया। नताशा ओके इधर और ध्यान। नताशा पहले विश करे फिर हम बताते हैं अगर नताशा का मियाँ क्या हो तो क्या होगा। मैं सिर्फ ये कहूँगी खुश रहो, आबाद रहो, जो दिल की तमन्ना जो दिल की ख्वाहिशात है अल्लाह ताला वो तमाम ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुमा आमीन। खड़ी रहिए, खड़े रहिए एक मिनट। अच्छा हाँ वो उसका गाना रह गया। नताशा के मियाँ अगर हो लम्बे है, नताशा के मियाँ अगर हो लंबे, नताशा लगाए खम्बा जी देखो घड़ी घड़ी, खम्बा लगाए घड़ी घड़ी। क्या बात है जी, बिल्कुल दुनिया का हर भाई यही चाहता है कि उसकी बहन जिस भी घर में जाए खुशियाँ लेके जाए, और दिल का जो आंगन होता है वो मोहब्बत से खिलता है, ना कि 2000 गज के घर में जाने से खिलता है। तो I wish my sister very happy. क्या बात है। अरे खड़े रहिए भैया, गाना है। जिसकी बीवी अगर हो मोटी, I mean साइम की बीवी अगर हो मोटी, साइम गद्दा लगाए घड़ी घड़ी, गद्दा लगाए घड़ी घड़ी। साथ देना मेरा। ब्रेक में जाऊंगी लेकिन उससे पहले मैं चल रही आप और आप सब लोग आ जाओ पीछे साफ, ताकि आप सब लोग जो है वो विश कर दे। डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए। चले अब ये लड़की के अपने घर वालों की तरफ से जो दुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं दुआ देती हूँ आशा को कि हमेशा अपने घर में शादो आबाद रहे और अल्लाह पाक इसे किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आने दे, और ये फूले फले और सबके दिल जीते, सबके दिलों में घर करे। जिनका मियाँ अगर हो गूंगा, बीवी गाए घड़ी घड़ी घड़ी। नहीं ये स्पॉन्टेनियस है, मुझे पता नहीं था आपके लिए भी कहना। माँ भेजा। अरे चलो यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे हैं फिर वापस। चले आप भी जाओ, आप भी ले। मेरे नाम लेंगे। आजी नाम लेके बताएं। भाई अब ये साफ जाहिर है। देखिए मेरी बात सुने सोनू साहब, अगर ये सिर्फ बात होती है टांगे और हाथ मारने की और लेट जाने की, और एक्टर जीरो हो जाते हैं जी। सर गेम सारी आंखों में। ये तो लग रहा है मुकाबला नताशा और इनके बीच में हो रहा है ना। आपका नाम आ रहा है ना? नहीं तुम लोग साथी हो। सुनो मतलब देख ले बोल भी क्या बोले बस नताशा का नाम बात है। मेरी ऑडियंस सोनू नहीं, लेकिन 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 मैं एक बात अपनी ऑडियंस है हमारी जितनी भी परफॉर्मेंसेस है हमारी। आजा भाई तुझे क्रेडिट दे रहा हूं। हमारी जितनी भी परफॉर्मेंसेस है उनका क्रेडिट सोनू को जाता है, उन्होंने बहुत कोरियोग्राफ किया है। नहीं लेकिन लेट्स बी वेरी ओपन, मैं अभी ये जो परफॉर्म किया ये नताशा ने भी एक्सटेम्पोर किया और फिजा ने भी किया, ये इन दोनों की प्रैक्टिस नहीं हुई। रैंडम इसे हमने रैंडम किया था। मुझे नीचे लेट कर वो मैं मेरा तो दिल मैं सोच रही थी अभी सोनू की आवाज आना शुरू हो जाए। जब हम लेट गए थे इतना सा एक इंसान नीचे लेटा हुआ है इतना सा। नहीं आपके साथ तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जरा नीचे करें आपको पता चले आप मेरे साथ भी ठीक हैं या नहीं। आप मेरे साथ भी ठीक नहीं है भाई। मेरे एक और आइडिया है यार, मेरा दिल चाह रहा है क्यों ना इनकी फरमाइश पूरी करके देखा जाए कि ये एक जोड़ा बनाया जाए और ये जोड़ी बनाई जाए। क्या होगा क्या बोल दो बोल सिर्फ चलाने इसी गाने के। और फिजा यार फराह ऑडियंस ने बता भी दिया चाह रही थी ना यार साइम के साथ परफॉर्म करना, तो फिजा को थोड़ा सा गाना चाहिए। चलो कोई और गाना लगे, कर लो गाना कोई और लगे, कोई और गाना। हुमैरा जी यार बहुत डांस हो गया है, फराह फेक हो रहा है, ड्रैग हो रहा है, शो ड्रैग हो रहा है। इतना डांस बस करो यार, कुछ चेंज भी करो। भाई मेरी नताशा जो पार्टनर है वो नहीं चाह रही। अच्छा फिजा हाँ नहीं देखिए वो अब नहीं होगा, हो गया डिसाइड। नहीं भाई कल से। अच्छा ऐसे तो हम भी बार बार मुकाबला करेंगे। मुकाबला हो गया आपके कहने पे, दोबारा किया मुकाबला, हो गया मुकाबला, हो गया दोबारा कर लिया। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर ऑडियंस ने जवाब दे दिया है तो बस आपने नहीं करना। फिजा ये चले, फिजा करो यार प्लीज। हम गड्डी मैच लावांगा पे करते हैं। हाँ ठीक है गड्डी मैच, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेंगे। हाँ ब्रेक ले लें पहले, और अभी ब्रेक के बाद हम ब्रेक में जा रहे हैं, आप दोनों डांस करें। वैसे 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 जिस कॉज के लिए शादी हो रही है, ऑनेस्टली मैं ये बता दूं कि फराह इज वेरी स्वीट। वो कभी भी ये बात बार बार इस तरह से नहीं बोलेगी कि ये एफर्ट A+ की है, बट ये एफर्ट फराह की भी है। बिल्कुल हमेशा की तरह। ऑफ कोर्स एज एन एंकर आई नो, ये वो एंकर नहीं है जिनको शो मिल जाए तो वो होस्ट कर दें। ये वो एंकर है जो चीज की हकीकत तक जाती है, जानती है, एक एक और दिल से शो कंडक्ट करती है। ओनली होस्ट ऑफ पाकिस्तान हु नोज कि सच्चाई क्या है, कौन सा आर्टिस्ट क्या है, कौन किसकी फैमिली से है, किसका बैकग्राउंड है। और आज जिस कॉज के लिए शादी हो रही है उसके लिए क्रेडिट गोज टू फराह। और आज इसीलिए जितना भरपूर हम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं किसी की शादी के लिए, क्योंकि ये शादी बहुत मुस्तहिक लड़की की है, तो हमें खुल के करना है। मुझे फिजा तुम जीत गई, फिजा तुम जीत गई, अरे फिजा जीत गई भाई, तालियां। ना नताशा को प्रॉब्लम है, ना साइम को प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे ये फन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एक हमारे साथ इस शादी का हिस्सा बन सकें। दूसरी बात ये है कि हमारी इतनी सीनियर, इतनी प्यारी सी हमारे सना जी बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, और हम इनको खामोश बैठने नहीं देंगे। अब चुप का रोजा रख के बैठे हुए हैं। तो अब ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, ये तो हमने थोड़ा सा एक तड़का लगाया है कि रैंडम ये लोग क्या करते हैं, किस तरह से खुशी में एक्साइटमेंट का मुजाहरा करते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन फिर हम टपकों का एक मुकाबला जो है वो भी, लड़के वाले तैयार है, लड़की वाले तैयार है, लड़के वाले तैयार है, लड़के वाले ज्यादा तैयार है। इसमें हमें डर है कि आप लोग हार जाएंगे। शायद कोई बात नहीं। अच्छा हाँ चले, ट्राई करने में तो कोई अर्ज नहीं है, पहले भी आप लोगों ने यही कहा था वैसे। नहीं वो अपनी ऑडियंस लेकर आए। चलो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे सोनू जो करता है ना जैसा इंसान सब कुछ जो है देख रही है कि उसकी शादी को कैसे धूमधाम से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो मूवी बनेगी ये आयशा की शादी की वो मूवी होगी जो उन शादियों से बहुत फर्क होगी जो आयशा जैसी और बहुत सारी लड़कियों की शायद होती है। सो विश हर ऑल द बेस्ट। सो इसके साथ मैडम आप इतनी खामोश क्यों हैं? आप और मजर राही, आप लड़का वाले हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और क्योंकि एक ये सच्ची शादी है। हाँ ये इस तरह की बच्चियां आपने बड़ा अच्छा, ये आज का जो मैं बहुत खुश हूँ कि इवेंट्स होते रहते हैं ये, लेकिन ये जो इवेंट है इसके दिल के ख्वाहिशात और जो नहीं पूरी हो सक रही आपके तवस्सुस से ये आज। और मेरी दुआ है कि हर लड़की की, हर इंसान की दिल की जो ख्वाहिशात वो जरूर पूरी हो, इसलिए कि वो जो बातें दिल में रह जाती है ना, दिला दिया गल्ला दिला विच रह गई ना तू पूछिया ना मैं दसिया अखा छम छम बसिया। तो अल्लाह ना करे कि किसी पे ये बात आए कि उसके दिल के अरमान, उसकी फीलिंग्स जो है वो वहीं पे दब जाए, खत्म हो जाए। अल्लाह करे आप लोगों की भी इसी तरह से सारे दिल की मुरादें और जो घर में बैठे हुए सबकी पूरी हो, भी हम आप सब लोगों के लिए दुआ करते हैं। एक बहुत बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि रियल शादी है। मैं बहुत सारे ऐसे मॉर्निंग शोज में जो फेक शादी करवाते हैं और सारा प्री प्लान होता है। शादी तो नहीं होती, लेकिन मैं यहाँ पे वो थोड़ा सा वो करना चाहूंगी कि वो अजीब लगता है कि ऑलरेडी जिनकी 20 साल पहले शादी हो चुकी है, उनके बच्चे जवान हो गए हैं, उनको बिठा के आप दोबारा शादी करो तो किसी गरीब घराने की। इसी तरह अगर आप ये काम करके करेंगे तो शादी वीक चल रहा होता है। लोग क्यों इस बात को इतना वो करते हैं यार, क्या फायदा मॉर्निंग शो देखने का, हर शो में शादी वीक चल रहा है। अगर आप ये वाली शादी दिखाओगे किसी गरीब घराने की बच्ची की शादी तो फिर लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा मैं आपको कल जो है इसके घर भी लेके जाऊंगी आयशा के, ताकि आप देख अपनी आंखों से देख सकें कि वो क्या वजूहात थी, वो क्या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि हम ये काम शुरू करते हैं और इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे। जी हुमैरा जी, पहली खूबसूरत आवाज आपकी तरफ से और फिर जवाब आएगा इधर से मजर राइस की तरफ से, लेकिन फिजा आप भी दे सकती हैं। जी बिल्कुल। अब इस तरफ पार्टी जरा भारी है। यहाँ पे कोई और भी एक लड़की थी जो कह रही थी मैं भी गाऊंगी। जी आप कह रही थी अब ये I wanna see you. I wanna see you. यार फिजा ने डॉक्टर साहब आपका गाना बना दिया। बात सिर्फ ये है, मेरी बात सुन लो भाई, बात सिर्फ ये है कि ये लड़का और लड़की वालों की कंबाइन एक परफॉर्मेंस थी ताकि ठंडी जो हवा है वो चलती है दोनों तरफ, बहुत जो है ना वो गर्म जोशी के साथ। फिजा हाँ, जिसने फौरी तौर पे कोरियोग्राफ किया सारी चीजें, फौरन सबको खड़ा किया लड़कियों के साथ। नहीं आप ये मत भूले, सबसे पहले मैंने बजाज भाई के साथ, बिल्कुल हाँ वैसे सबसे पहले साइम ने उठाया। नहीं उसकी बात तो, डॉक्टर बजाज की बात तो सुना, मैं इतना खुश हूँ, खुशी मुझे बड़े की बात नहीं। और इतनी अच्छी डायरेक्शन फिजा, तुम तो डायरेक्टर बन जाओ। और हर वीडियो में मुझे और इसी तरह नहीं आगे ये सही मेन पंच लाइन ये है कि लड़कियों के झुरमट में, लड़कियों के झुरमट में असल में इन्होंने 8 साल में ना बारी बारी हर साल एक लड़की के साथ डांस किया था, तो आज इकट्ठे हो गया है। जवाब ये है, फरा जवाब ये है कि हर शादी में कोई एक लड़की पटाखा होती है और एक लड़का पटाखा होता है जो सबकी डांसेस करवाता है और फन करता रहता है। मैंने कहा मैं वो पार्ट अदा कर दूं, तो आज की शादी में लड़की पटाखा कौन है? नताशा। और लड़का पटाखा नहीं, ये तो कौन है? थैंक यू। लड़का पटाखा कौन है? साइम। यार सोनू तुम नजर क्यों नहीं आ रहे? बिजली बिजली। और उनका नाम है हवा हवाई। नहीं वो तो तुम हो यार, आई एम गिविंग यू लव क्रेडिट यार। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, अब हमने ये करना है कि इससे पहले कि हम बहुत सारा और करें, हमारे पास डिजाइनर आज बैठे हुए बासित, जिनके खूबसूरत से जोड़े लेंगे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। पहले तो हमने जो संगीत की महफिल देखो, ये जोड़ा पहनने के बाद जो मेरे दिल में ख्वाहिश जागी थी कि मैं इस जोड़े के डिजाइनर को मिलना चाहूंगी, तो वो आज पूरी हो गई और ये ख्वाहिश भी A+ ने पूरी कर दी। और अच्छा फरा ये नाराज हो रहे थे कि मैंने इनका जोड़ा नहीं पहना, कोई पैरेट कलर का जोड़ा इन्होंने खास भिजवाया था मेरे लिए, जो मुझे आई एम सॉरी मुझे किसी को भी नहीं मिला। अच्छा मैंने अपना शिकवा करना था कि यार मेरे लिए नहीं भिजवाया, तो फिर आप भी उसमें शामिल होगी। वो खुद नाराज हो रहे थे कि आपने क्यों नहीं पहना, मैंने कहा इसलिए नहीं पहना क्योंकि कल मायूं का जोड़ा हमारी दुल्हन का जो है वो बासित दे रहे। हाँ बिल्कुल, और बहुत खुशी हुई है कि की और इतना स्टार्स आए और एक डिजर्विंग जो सी है लड़की है उसको मतलब इतना आपने ऑनर किया, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी सेलिब्रेशन का पार्ट बनने के लिए आया हूँ और इंशाल्लाह कल का जोड़ा मैं उसे गिफ्ट करूँगा आपको। ये इस जोड़े का नाम क्या है? एक को बड़ा ट्रक काट को बड़ा पतली क्या क्या, मैं इसको पहले पूरा कर लूं। हाँ। जो हम लोगों ने हल्ले गुल्ले में इसको अधूरा छोड़ दिया था। उसके साथ 2 दुपट्टे थे, आपने एक कैरी किया है। हाँ मैंने एक कैरी किया है क्योंकि मैं दुल्हन नहीं बनना चाह रही थी ना, मुझे बहुत ज्यादा आपके सामने कितनी एक्टिविटी है यहाँ पे, तो जैसे संगीत था, संगीत म्यूजिक और म्यूजिक फन फन है, तो कलर्स तो इसलिए आउटफिट हमसे है बेस्ट था, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और नताशा ने बड़ा अच्छा कैरी किया है, और आउटफिट खूबसूरत होना वो एक अलग बात है, जो उसको पहन के आप कैरी करते हैं वो एक अलग आर्ट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा तो आप मेल्स के लिए नहीं बनाते कपड़े? यार मेल्स क्यों होता है? अच्छा कल का जोड़ा जो आप दे रहे हैं मायूं का, वो हम कुछ बताएंगे किस किस्म का होगा कि कल ही हम सरप्राइज में देखेंगे कि क्या जोड़ा है? कल सरप्राइज में। और मैंने अभी जैसे बात की थी कि मैंने क्या कि इनको ऑब्वियसली मतलब इससे ज्यादा प्यारा दिखना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली इनको भी डिजाइनर वेयर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी ये ख्वाहिश है कि पूरा वीक में आप ही के डिजाइन किए हुए जोड़े पहनूं। इंशाल्लाह आप पहनोगे। थैंक यू। और हमारी भी ये ख्वाहिश है मजर भाई और मैं भी इनके कपड़े पहनना। ओह वेरी गुड। कौन से कलर का लहंगा चलेगा? तुम लोग पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। देखिए देखिए हम रोकेंगे नहीं, ये हमारे कपड़े बनाकर ज्यादा फेमस हो जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अच्छा चले वैसे तुम साड़ी पहन, साड़ी आ जाएगी। अच्छा अब थैंक यू बासित, आप भी बैठिए हमारे साथ रहिए। अच्छा एक काम करने लगे, हमने गीतों में जवाब देना है, मुँह से नहीं बोलना किसी ने भी कुछ, गीतों में एक दूसरे को जवाब देना है, मतलब अंताक्षरी कंपटीशन। हाँ। और जवाब पे जवाब देना है, और जिसमें फिजा जीतने वाली है, मैं एडवांस बता रही हूँ, मैं एडवांस बता रही हूँ। क्यों नताशा? नहीं मुझे पता है। हमारे साथ बजाज भाई भी हैं, हमारे साथ हुमैरा जी हैं, हम कोशिश हमारे साथ, लेकिन खूबसूरत भाई बड़ा आप लोगों ने जमाया है। आज आयशा की शादी, आज हमने संगीत की महफिल की है, दुआ खैर इनकी हो चुकी है। कल हम मायूं करेंगे इंशाल्लाह, परसों हम मेहंदी करेंगे और फिर उसके बाद हम निकाह करेंगे, रुखसती करेंगे और फिर हम वलीमा भी करेंगे और दुल्हा से भी मिलवाएंगे। और भाई की जो फीलिंग होती है, मैं आशा का भाई आज से घर में एक संगीत शुरू हो गया है, उससे भाई की जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। और आई एम श्योर आशा के जो भाई हैं वो शो देख रहे होंगे और उनकी भी जिम्मेदारियां इसी तरह बढ़ जाएंगी। मैं चाहूँगा कि आप इनके भाइयों से भी मुलाकात जरूर। कल हम दुल्हा वालों को भी बुला रहे हैं बिल्कुल, और दुल्हन के घर वालों को भी बुला रहे हैं। और जैसे मैंने व्यूअर्स को बताया कि हम आपको उनके घर भी लेके जा रहे हैं ताकि आप अपनी आंखों से वो देख सके। हम आपको बता रहे हैं कि भट्टे पे काम करने वाले मजदूर की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है ना। वो है ना कि तर्फ बहुत बंदा है मजदूर के औकात, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल जो है उसके बावजूद आज खुश हो। आयशा, इसके पास माइक है, वो कहते हैं ना रंग लाती है ना मिट्टी में पिस जाने के बाद। तो भाई मिट्टी का काम करता है, भाई ईंटे बनाता है, ईंटे उठाता है बिल्कुल। तो वो फिजा मिस करती है भाई को, लाएगी। फिजा की बात से मुझे मिस हुआ कि फिजा मिस करती है। 1 मिनट के लिए आया मुझे फिजा, है ना। भाई की बात ही कुछ ऐसी होती है, दिल चाहता है सबका। नताशा, आपका भी दिल चाहता है, आपके तो भाई है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन क्या आपकी क्या फीलिंग है? उसके भाई नहीं है, वो मिस करती है ही नहीं। हाँ एक मतलब है, मगर अब शादी हो गई ना, वो वाली फीलिंग्स वैसी नहीं रहती जैसे भाई तो है ना, ब्याह के जा रही है उस वक्त की फीलिंग्स कुछ और ही होती है। मैं समझ रही थी भाई नहीं है, इतने दुखी दिल से बात की मैंने। कहा नताशा का भाई नहीं है शायद, है ना। ये मैंने भी यही समझा है कि शायद नताशा तो बोलने वाला था फिजा के बस कर दो, मैं आज से तुम्हारा भाई हूँ। मैं नहीं बनाती किसको भाई, मेरे अपने 3 बहुत हैं, 3 भाई हैं। बड़ी छुपी रुस्तम निकली आप तो, 3 भाई को दबाए बैठी हैं। नहीं छुपाए, अच्छा वो एक्चुअली ना ये वक्त जब मुझ पे आया था ना, तो उस वक्त सिर्फ मुझे बहने मैंने कोई नहीं चाहिए, तो मुझे भाई चाहिए था। असलम भाई भी है ना एक, हाँ असलम भाई दुबई का चश्मा, जीन्स की चड्डी और पुरानी चाय, तगड़ा तुम असलम भाई है ना। अच्छा वो तो ठीक है, ये इसमें ये तुड़म तुम क्या है, ये उनका स्टाइल है। असलम भाई हमेशा इस पे अपने ग्लासेस। अच्छा अब ये थोड़ी सी हमें विमेन टॉक करने दो। भाइयों को क्यों मिस किया था, बहनों को? मतलब क्योंकि भाई बहनों के साथ वो जो इनकी एक अटैचमेंट होती है ना, वो यही होती है। रातों को लेट आ रहे हैं तो कुंडी खोली, रातों को वेट कर रहे हैं, गर्म रोटियां पका के देनी है, सुबह अंडा पराठा भाई को अपने हाथ का देना है, भाई का राज भी छुपा के रखने, लड़की अगर पटाई है भाई ने सबसे पहले बहन को ही बताना, वो सारी चीजें फीलिंग्स ना। एक जब लड़की रुखसत करके जा रही होती है तो जो बहन के साथ हर वक्त सो रही होती है, उठ रही होती है, बैठ रही होती है, एक दूसरे की कमीजें दुपट्टे शेयर करते, वो नहीं उतना मजा आता। मजा उस वक्त सिर्फ ये होता है कि कोई भाई आके जब एकदम से गले लगाता है और बहन रोती है ना, तो वो खत्म हो जाती है कहानी। भाई की फीलिंग्स मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई, तो मेरी वो वाली फीलिंग्स नहीं है। मेरे छोटे भाई हैं, उनकी भी अभी तक शादी नहीं हुई, तो ये वाली फीलिंग्स मैं नहीं बयान कर सकती। लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स सिर्फ मेरे भाई हैं। मैं बताती हूँ इसमें सबसे ज्यादा मजे का सीन पता है क्या होता है? नताशा सर पे दुपट्टा लोगी, हाँ जैसे दुल्हन ने लिया होता है रुखसती के वक्त ना, जैसे रुखसती का सीन होता है ना, हाँ सीन चल रहा है। नहीं मैं बताने लगी हूँ कि जो मेरे ख्याल में इस रिश्ते पे जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो ये है। और आप आज दुल्हा के एक्ट आप करेंगे, ठीक है, दुल्हन का एक्ट आप करेंगे, करने कोई बात नहीं। ये दुल्हन कोशिश करती हूँ सलामी में मेडिसिन मिलेगी। अच्छा एक लम्हे के लिए तुमने ये समझना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अच्छा ठीक है, आप भाई हैं, मैं भाई हूँ, आप भाई हैं, ये दुल्हा है, ठीक है। आप दुल्हन थोड़ा दुपट्टा आगे करके ले लो, ये नहीं यार, हाँ आगे करके बिल्कुल नीचे कर लो, हाँ तो दुल्हन है, ठीक है। तो भाई का जा पे, अच्छा तुम भाई हो, ये भाई इन्होंने मुझे कहा ऐसे नहीं कहा, अच्छा अजीब से दुल्हन दुल्हन नहीं लग रही, भाई भाई नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा, और दुल्हा दुल्हा नहीं लग रहा। ये तो एक फेक हो रहा था, लेकिन मैंने ये असल में किया हुआ है। अभी हाल ही में जब बहन की शादी हुई, और ये बताने के लिए आपने मुझसे, मैं ये कहने वाला था, आपने वो पूरा एग्जीक्यूट कर दी कि सेंस ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो भाई का बड़ा ख्याल आता है, बहुत ख्याल आता है। और आखिरी जो भाई का बहन के सर पे हाथ रखना है ना, और उसको दिखाए ना करके, हमें फीलिंग्स आनी चाहिए। कर दिया, हो गया, कर दिया, अब क्या करें? अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आती, तू इतना लेट क्यों है? जो रोना निकलता है बहनों के साथ नहीं निकलता, अम्मी के साथ भी इतना नहीं निकलता, क्योंकि अम्मी के साथ सुबह शाम रो ही रहे होते हैं। भाई जैसे, क्योंकि भाई गले लगाता नहीं है रोज रोज, बहन को हर बात पे गले नहीं लगाता, हर बात पे गले नहीं लगाता। वो जब उस मोमेंट पे गले लगाता है ना, तो उस वक्त सबसे पहले आवाज निकलती है। अच्छा फराह, क्यों ना आयशा से पूछा जाए कि वो रुखसती में चाहेंगी उनके भाई उनके साथ हों, वो कैसी रुखसती सोच रही थी? आयशा कैसी रुखसती चाहती हो? भाई पूछना चाह रहे हैं साइम भाई, कुछ सोचा तो होगा ना है? कैसी रुखसती कैसी हो? गाड़ी पे हो, घोड़े पे आए दुल्हा, कैसी हो? गाड़ी पे होनी चाहिए भाई, गाड़ी पे। और क्या चाहोगी कि भाई रुखसत करें कि अब्बू सर पे हाथ रख के रुखसत करें? भाई भाई कौन सा भाई बहुत प्यारा है, कौन सा भाई ज्यादा है? सबसे बड़ा नाम क्या नाम है उसका? नाम अली। क्या कहती है उसको प्यार से? उसको भाई भाई है, भाई जान, भाई जान। अच्छा भाई के लिए रोटियां बनाई हैं? रोज खिलाती है रोटी भाई को बना के, कभी चावल भी खिला देती है। भाई काम से लेट आता है, इंतजार करती हो, कपड़े इस्त्री करती हो, धोती हो भाई के सारे कपड़े। कितना मिस करेगा भाई फिजा, वो चीजें मांगेगा और ये नहीं मिलेगी उसे। वो कहेगा मेरी कमीज किधर है, मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए, तो वो फिर इसी को मिस करेगा। और जब आगे सुना हो जाएगा। लेकिन अभी हमने शुरू किया बिकॉज हम रुखसत करने लगे, अभी 3 दिन है। हाँ काफी काफी इमोशनल सारे लोग हो रहे हैं। अच्छा लेकिन अब हम वाइंड अप करेंगे। वो रो रही है, वो रो रही है, भाई को याद करके रो रही है बेचारी। तो आप ना रोने लग पड़े। ऐसा होता है एक खानदान में, ऐसा होता है जो सबको रुला देता है, सब माहौल अच्छा और वो एंड पे आता है, वो एंड पे आता है, जाने वाला होता है। फिजा की कमाल बात पता है क्या है? आप रोने का मूड बनाएंगे तो यहाँ के आपको हंसा देगी, आप हंसने के मूड में आएंगे तो यहाँ के रोना शुरू कर देगी। मैं रोने कितनी भी जुलूंगा, इसने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना होता है जो आप सोच भी नहीं सकते, आप एकदम से ऐसे हो जाएंगे। नहीं अच्छा हम एक ना चेंज करेंगे इस दफा शादी पे, वो जो होता है ना दुल्हन जब रुखसत होती है तो एक चलाक सी औरत साथ भेजते हैं, हम साइम को भेजेंगे। मतलब ये कोई पिछले जन्म की इसने में से निकाली, दुश्मनी को निकाली, कहाँ से चलाकी इसने मेरे अंदर देखी है समझ नहीं आ रहा। इतना मासूम है, मैं अपनी बहन को मजाक कर रहा हूँ, मैं उसको उसके अंदर इमोशंस लेके आ रहा हूँ, उसे मुझे एक चलाक खतरनाक किस्म की औरत बना दिया। इस बात पे आज का अख्तिताम होता हमारे शो में, ये खत्म हो रहा है बिल्कुल। हाँ इख्तिताम हो रहा है, बहुत अच्छी थी, अख्तिताम हो रहा है। लेकिन ये कि हमने इतना डांस किया है आपकी होने वाली शादी की खुशी में कि मुझे बताओ कि कोई गाना आपकी फरमाइश का हो तो वो हम उसके साथ वाइंड अप करें और कल फिर हम आपको खुशामदीद कहेंगे मायूं की रस्म के साथ। जी कौन सा गाना आयशा? असा यार मनावना है। अच्छा इससे पहले कि हम वो गाना शुरू करें, लड़की वाले यानी नताशा और लड़के वाले यानी फिजा बुलावा देंगे आप व्यूअर्स को कि कल वो भी इनवाइटेड है और उन्होंने इस शादी में का हिस्सा बनना है। पहले लड़की वालों की तरफ से दावतनामा। हाँ जी, मेरी बहन की शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जितने देखने वाले हैं, सब A+ की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी बहन आयशा के पूरे घर की तरफ से इन्वाइटेड है। सो प्लीज कहीं और नहीं जाना आप लोगों ने, कल से आप लोगों ने रहना है हमारे साथ टिल फ्राइडे और शादी अटेंड करनी है। थैंक यू। और अब साइम आपको इनवाइट करते हैं, इसहाक भाई हर बात में साइम ही चाहिए होता है और इसहाक भाई से जो है शादी करवा रहे हैं हम साइम की बहन आयशा की। बिल्कुल, और आयशा बहुत खूबसूरत है और तुम्हारे भाई की भी तो है, बहुत प्यारे हैं, मगर कल आएंगे वो, आज हमने आपको नहीं दिखाया, कल हम प्रॉपर दिखाएंगे। और उनकी रुखसती इस तरह से होगी कि 2 दिन 3 दिन जो भी हमारी इंटरटेनमेंट रहेगी, हम यहाँ पर मजा करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मगर आप लोग भी अगर आएंगे तो हमारी शिरकत दुबाला हो जाएगी। और यकीन मानिए कि दिल की गहराइयों से बात आ रही है कि हम लोग वाकई में उसी तरह इमोशनल है जिस तरह कि हमारे अपने घर में शादी होती है। बिल्कुल ऐसी लग रहा है कि सच्ची शादी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। से इजाजत लेंगे इंशाल्लाह, मुंतजर है कल आपकी भी आमद के, और उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और हुमैरा जी फरमाइश पूरी कर दें हमारी दुल्हन।